भगत सिंह, जिसका नाम भारत के इतिहास में सोने के अक्षरों में छपा है, एक नौजवान था जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ निडरता से लड़ाई लड़ता रहा। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के छोटे से गांव बंगा में पैदा हुआ, उनका बचपन पूर्णतः स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित एक परिवार में बिता। जलियांवाला बाग के अत्याचार और स्वराज के पुकार ने युवा भगत सिंह के मन में एक ज्वाला प्रज्वलित की, जिसने उन्हें अपने देश के मुक्ति के लिए संघर्ष करने की ओर प्रेरित किया। भगत सिंह एक परिवार में पैदा हुए थे जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में समर्पित था। उनके पिता किशन सिंह संधू और चाचे स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल थे। छोटे से उम्र से ही भगत सिंह को कारतार सिंह सराभा और ऊधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के वीरता और त्याग की कहानियां सुनाई जाती थीं, जिनसे उन्हें प्रेरित होने लगा। हम उनके पालन पोषण, शिक्षा और उन घटनाओं की जांच करते हैं जिनसे उनकी क्रांतिकारी भावना की नींव रखी गई। जैसे भगत सिंह बड़े होते गए, उन्हें भारत में राजनीतिक स्थिति और ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए अत्याचार की बढ़ती हुई गिरफ्तारी समझ में आने लगी। महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किए गए गैर सहयोग आंदोलन ने उनके राजनीतिक विचारधारा को बनाने में मदद की, लेकिन उनकी नॉन वायलेंट दृष्टिकोण के विफलता से उनका विश्वास हिल गया और उन्हें इस समय क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर प्रेरित किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA एक क्रांतिकारी संगठन था जो सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को समर्पित था। हम उनके साथियों जैसे चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव थापर, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त के साथ के संबंध की जांच करते हैं। इनके साथ मिलकर उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम के खिलाफ वीरता से संघर्ष किया, जिसमें लाहौर के मध्य संसदीय विधायिका सभा बम विस्फोट शामिल था। JP सॉन्डर्स, एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या जो स्वतंत्रता संग्रामी लाला लाजपत राय के ऊपर निर्मम लाठीचार्ज के प्रतिक्रिया में की गई, ने भगत सिंह के जीवन में एक परिवर्तनकारी मोड़ का निर्माण किया। तत्काल गिरफ्तारी का सामना करने के सामने उन्होंने संसदीय विधायिका सभा विस्फोट के बाद स्वयं को गिरफ्तार करवाने का निर्णय लिया, जिससे उनके देश के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान की दरिंदगी की जाएगी। उनके कार्यों का स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा और उस समय लोगों के भावनात्मक भावनाओं पर गहरा असर पड़ा। भगत सिंह उनके साथियों के साथ एक साजिश के लिए लाहौर साजिश मामले में गिरफ्तार किए गए थे, जिनके कारण उन्हें राजनीतिक क्रांति के लिए दोषी ठहराया गया। न्याय और अदालती भाषणों के माध्यम से, जहां उन्होंने निडरता से अपने क्रांतिकारी आदर्शों को प्रकट किया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया। इस अध्याय में हम अदालती नाटक और उन युवा क्रांतिकारियों द्वारा किए गए त्याग की चर्चा करते हैं जिन्होंने निडरता से फांसी के यात्रा से खुद को नहीं बचाया। भगत सिंह की फांसी के दिन उन्हें एक शहीद और जनजागरूक का दर्जा मिल गया, जिससे वे पीढ़ियों को प्रेरित कर रहे हैं। उनका यह निधन भारतीय युवा वर्ग को उत्साहित करता है और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मजबूती से आगे बढ़ाता है। इस अध्याय में हम भगत सिंह की विरासत की जांच करते हैं और उनके विचारों कैसे भारतीय राजनीतिक मंच को आकार दिया और भावित अनुसरण स्वतंत्रता संग्रामियों पर कैसा प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन करते हैं। हम भी देखते हैं कि उनके विचारों ने भारतीय राजनीतिक संवेदनशीलता के परिप्रेक्ष्य में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनका परिवर्तनकारी प्रभाव कितना मजबूत है। भगत सिंह का जीवन साहस, त्याग और भारत के स्वतंत्रता के लिए निरंतर समर्पण का प्रतीक था। उनका क्रांतिकारी विचार लाखों भारतीयों को प्रेरित करता है जो स्वतंत्रता और न्याय की कीमत समझते हैं। उनके वचन इनकलाब जिंदाबाद, लंबे जीवन क्रांति, हर उस भारतीय के दिल में उकेरे जाते हैं जिसे स्वतंत्रता और न्याय का मूल्य महत्वपूर्ण है। जब हम इस आदर्शी क्रांतिकारी के जीवन को स्मरण करते हैं, तो हमें भगत सिंह की अदम्य साहस, संकल्प और राष्ट्रवादी भावना के प्रति आभार और आदर्शवाद उनके लिए समर्पित रहता है। जैसे हम इस आदर्शी क्रांतिकारी के जीवन का समर्थन करते हैं, उसी तरह से हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ने वालों के साथीत्व की भावना और जज्बे को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। हम इस ऐतिहासिक क्रांतिकारी के जीवन को याद करते हुए, उनके दृढ़ संकल्प और वीरता को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र और न्यायप्रिय भारत की संरचना करने का संकल्प लेते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।